दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जेनियस क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम का सिलसिला चल रहा था, हमने दो पार्ट के वीडियो पे बात की थी, तो आज मैं आपके लिए तीसरे पार्ट का वीडियो लेकर आया हूं। और मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जामों में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और इस सवालों को बनाने का तरीका क्या होगा, हम हर एक तरीके को सीखेंगे, क्योंकि अब एक तरीके से हम एग्जामों को नहीं निकाल सकते, हमें हर एक चीज को बहुत कॉन्सेप्चुअली और सही ढंग से क्या होगा चीजों को सीखना होगा। तो क्या तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं, तो बिना समय गवाए हम सीधे सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और हर एक तरीका हर एक दाव पेच हम अपनाएंगे जिससे कि हम सवालों को बड़े आसानी तरीके से क्या कर पाए, बना पाए। तो तैयार है तो चला जाए, देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखें सवालों में क्या कहा गया है, सवालों को पढ़ लिया जाए। कहा गया है कि एक व्यक्ति शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय कर सकता है। यदि नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो उसे एक स्थान पर जाने और आने में 45 मिनट का समय लगता है, तो कुल दूरी कितनी है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम समय, दूरी और चाल यानी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से हम कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं ये जो स्थान है ये एक्स वाई है। जब नाव धारा के अनुकूल जाएगी यानी डाउनस्ट्रीम यानी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएगी तो डाउनस्ट्रीम होगी यानी अनुप्रभा। अनुप्रभा में हमें पता है कि नाव की चाल और धारा की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है, तो हमारा यहाँ पे चाल कितना होगा, तो हम कहेंगे 16 किलोमीटर प्रति घंटे। आते वक्त वो कैसे आएगी? आते वक्त वो अगेंस्ट द करंट यानी धारा के प्रतिकूल आएगी, और प्रतिकूल आने का मतलब कौन सी चाल, कौन सी उत्प्रवाह चाल यानी कितनी होगी, तो हम कहेंगे सर 8 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। और हम मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी। तो डी बटा 16 यानी यहां से यहां जाने में, प्लस डी बटा 8 यहां से यहां आने में कुल समय कितना लग रहा है, 45 मिनट यानी 45/60 लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहां से अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 16, तो यहां से कितना हो गया, डी प्लस 2D यानी 3D हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से करेंगे तो 3/4, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से काट दो 4, यानी D बराबर कितना किलोमीटर हो गया, तो हम कहेंगे 4 किलोमीटर हमारी क्या है, दूरी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या, बी। अब इसी सवाल को आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं। चलिए ग्रीन ले लेते हैं तो मजा आएगा। अब इसी सवाल को आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं स्पीड जो होता है समय के विपरीत होता है, यानी हम चाहें तो यहाँ से सवालों को भी बना सकते हैं किस तरीके से। देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं अपना अनुप्रभा चाल और अपस्ट्रीम उत्प्रभा चाल। तो सबसे पहले स्पीड की बात कर लेते हैं, तो स्पीड कितनी कितनी होगी, तो हम कहेंगे सर ये 16 होगा और ये कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, ये 16 होगा, ये 8 होगा, यानी अनुपात कितना होगा, तो हम कहेंगे सर जी 2:1 होगा, यानी अनुपात कितना होगा, 2:1 होगा। तो अब अगर हम समय की बात करें तो मेरा अनुप्रभा चाल 2 है और उत्प्रभा चाल 1 है, तो समय की बात करेंगे तो ठीक उल्टा होगा, यानी डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का रेशियो 2:1 है, तो आप खुद बताओ समय क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 1:2 होगा, क्या बात है। और इन दोनों को जोड़कर सर हमारे सवाल में 45 मिनट कहा गया है कि कुल आने और जाने में जो लगा समय है वो 45 मिनट है, तो 3/45 मिनट, तो 1 बराबर कितना, तो हम कहेंगे सर 15 मिनट। तो 1 बराबर कितना, 15 मिनट, यानी अनुप्रवाह दिशा यानी डाउन स्ट्रीम जाने में जो हमें समय यानी समय लगता है वो कितने के बराबर है, 15 मिनट के बराबर है। और हम किस चाल से जा रहे हैं, तो हम कहेंगे 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं, तो दूरी कितनी होगी, तो 16 × 15 बटा 60 करेंगे तो किसमें हो जाएगा, किलोमीटर में। बटा 60 क्यों किया दोस्तों, क्यों किया, अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि 15 मिनट है और मिनट को जब घंटे में चेंज करेंगे तो बटा 60 होगा, यानी यहां से उड़ा दो 4 बार में और 4 से यहां उड़ा दो, यानी कुल दूरी कितनी होगी, 4 किलोमीटर, यानी दूरी कितनी आ गई, 4 किलोमीटर। कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत आसानी से क्लियर है, मजा आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें। तो अब इसी चीज को समझने के लिए हम एक सूत्रों का भी यूज करेंगे, किस तरीके से हम सूत्र लगा सकते हैं, कि इसलिए सूत्रों को कि कभी कभी गाना नहीं गा रहा कि मेरे दिल में ख्याल आता है, वो होती तो ऐसा होता, ऐसा कुछ नहीं, कि कभी कभी क्या करता है, नाव की धारा पूछ लेता है, कभी कभी क्या करता है, नदी यानी धारा की चाल पूछ लेता है, नाव की धारा नहीं,
क्या सॉरी नाव की चाल पूछ लेता है शांत जल में, कभी कभी क्या पूछ लेता है धारा की चाल पूछ लेता है। तो वहां पर हम सूत्रों के अनुसार भी सवाल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले सूत्र को जानते हैं क्या है, आइए पहले समझा जाए। ले लेते हैं, ये मान लेते हैं दूरी, ये है x और ये है y, ठीक है। ठीक, जब आप यहां से जाएंगे तो कौन सी दिशा में जाएंगे, अनुप्रवाह दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम, और इधर से जाएंगे तो अपस्ट्रीम में यानी उत्प्रवाह दिशा में। तो यहां से प्रभु अगर आप जाएंगे तो b प्लस आर की स्पीड से जाएंगे, और जब इधर से जाएंगे तो कितने के स्पीड से आएंगे, तो हम कहेंगे सर b माइनस आर के स्पीड से आएंगे, हाँ या ना। और दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं डी किलोमीटर है, चलो भैया। और टी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं कुल समय आने और जाने में, यानी टोटल टाइम। तो हमें मिलेगा क्या यहाँ से, सूत्र को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप सूत्र नहीं जानेंगे आप बड़े लेवल के अच्छे लेवल के सवालों को बना नहीं सकते। तो अच्छे से देखो और गौर से देखो और सीख लो, क्योंकि जंग आपको लड़नी है एग्जामों में, और एग्जाम के पेपर को क्रैक करके उसे धाराशाही करना है। तो तैयार है तो आइए देख लिया जाए। तो हम यहां से क्या लिखेंगे दोस्तों, हम यहां से क्या लिखेंगे सर जी, लिखेंगे d बटा सर b प्लस आर, ठीक है, प्लस d बटा b माइनस आर, ठीक है, इज इक्वल टू सर t, कुल आने और जाने में लगा समय। अगर आप t कॉमन ले लें तो हमें यहां से क्या मिलेगा b प्लस आर, ठीक है भैया, और यहां से क्या मिलेगा b माइनस आर, क्या बात है। तो यहां से होगा b माइनस आर प्लस बी प्लस आर इज इक्वल टू कितना टी, ठीक है। तो अब आर से आर कैंसिल, तो अब हमें यहां से क्या मिलेगा डी इंटू टू बी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, बचपन में पढ़े हो ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है सूत्र, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू टी। तो भैया d बराबर हमें क्या मिल गया, तो हम कहेंगे सर जी d बराबर मिल गया b का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर बटे 2b इंटू टी। यानी हम चाहें तो इस सूत्र से भी अपने सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए दोस्तों, आज अगर आपने इन चीजों को नहीं देखा और अंत तक वीडियो तक नहीं बने रहे, इंटरटेनमेंट ठीक है लेकिन चीजों को सीखना भी उतना ही जरूरी है। इंटरटेनमेंट दो पल के लिए सुकून देता है, लेकिन जब तक आप डट कर पढ़ेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे नहीं, आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, ये भी कटु सत्य है, इसे जान लीजिए। ठीक, दो मिनट का छलावा बहुत जिंदगी को सुकून देता है लेकिन वो हमेशा नहीं। तो हमें एग्जाम निकालना है तो हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हुए बात करनी होगी। तो हमें ये मिला जब हमारे पास कुल समय दिया गया रहता है आने और जाने का। तो अब यहां से हम अपने दूसरे फॉर्मूला से भी बना लेते हैं, यानी फॉर्मूला नंबर थ्री क्या है हमारा, नाव की चाल कितनी थी, तो नाव की चाल कितनी थी प्रभु, नाव की चाल कितनी थी प्रभु, तो नाव की चाल थी 12 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। धारा की चाल कितनी थी प्रभु, चलिए आपके लिए सब लिख लिख के कर दे रहा हूं, धारा की चाल कितनी थी 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है भैया। और समय जो लग रहा था टी बराबर था 45 मिनट, तो आओ चले, ठीक है ना। तो देखें क्या आंसर आएगा, तो यहां से करेंगे तो b का स्क्वायर मतलब 144 माइनस 16 बटे 2 गुने 12 इंटू 45, और इसको करेंगे तो 60, यहां से कट गया 3 बार में, यहां से उड़ गया 4 बार में, यहां 3 से उड़ाओ 4, ठीक है। यानी कितना मिल गया 128 बटे 32, यानी कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर, यानी दूरी कितने के बराबर थी, 4 किलोमीटर के बराबर थी। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़े प्रेम से समझ में आ रहा है क्या है नहीं है। तो क्या हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इस तरह के सूत्रों को याद रखिएगा किस तरीके से क्या है नहीं है, बहुत मजा आएगा सवालों को करने में। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको अगले क्वेश्चन में देता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, दो सूत्र हैं जिन्हें आपको याद रखना है, क्या कि अगर कुल दूरी रहेगी तो नीचे क्या जाएगा 2b, यानी नाव की चाल शांत चल में, ठीक है। तो इसका ही एक अच्छा उदाहरण यहां लीजिए इस क्वेश्चन में, देखिए क्या कहा गया, क्या कहा गया है पढ़ा जाए देखा जाए, कि एक आदमी नाव के साथ धारा के अनुकूल जाता है, धारा के प्रतिकूल उस 5 घंटे में लौट आता है। यदि शांत जल में नाव की चाल, सहरे हुए पानी में पत्थर न मार सांवरे, हाँ क्या पढ़ाते नाव धारा में कहां पहुंच जाता हूं, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर से जाता है और दोनों स्थान के बीच की दूरी इतनी है, तो बताइए क्या बताइए कि धारा की चाल क्या होगी। तो क्या पूछा गया है,
कि बताइए धारा की चाल क्या होगी। तो चलिए भैया बना लेते हैं, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हम सूत्र लगा सकते हैं। डी बराबर क्या है हमारे पास, बी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर बटे टू बी इंटू टी। तो चलो बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर 21 बराबर बी की चाल कितनी है 10 यानी 100 माइनस आर का स्क्वायर बटे 2 × 10, ठीक है, और कितने घंटे, कुल 5 घंटे, 5 से काट दो 5 दूनी यानी यहाँ पे हो गया कितना 84 बराबर 100 माइनस आर का स्क्वायर। देयर फोर आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 100 माइनस 84 यानी आर इक्वल टू क्या मिलेगा रूट ओवर 16 यानी आंसर कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी जो धारा की चाल होगी वो कितनी होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो समझ में आया प्रभु क्यों कहता हूं कि हर दाव पेच सीखना जरूरी है। अगर आज के एग्जामों को निकालना है तो आपको हर एक तरीके से सवाल को सीखना जरूरी है। इंटरटेनमेंट कुछ देर के लिए सही है लेकिन जिंदगी भर इंटरटेनमेंट नहीं चलता, नहीं तो खुद इंटरटेनमेंट बन के रह जाओगे, हंसी के पात्र बन के रह जाओगे, किसी का कुछ नहीं लोगे, इसमें तुम्हारा जाता किसी का कुछ नहीं आता। चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं? तो अब क्या हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही जा रहे हो कि गुरुजी इस तरीके से चीजों को कराया जाए तो कितना मजा आएगा। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं यार कि वीडियो के अंत तक रहिए, चीजों को सीख पाएंगे, जान पाएंगे। आज अगर नहीं सीखोगे तो कब मेरे भाई, एग्जाम के दिन जब सोचोगे अरे यार काश पढ़ लिया होता, तो वही कहावत हो गई अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया को खेत चुगने नहीं देना है, सारा खेत का दाना खुद खाना है और बाकियों में भी बांटना है। ज्ञान लीजिए और अच्छा ज्ञान लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों यारों को भी बताइए कि हाँ यार इस तरीके से, इस नए ढंग से अगर हम पढ़ेंगे तो हम एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे, क्योंकि अब सवालों का ट्रेंड, एग्जामों का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। तो उसी ट्रेंड के साथ हम अपने अगले ट्रेंड के क्वेश्चन पर भी बढ़ लेते हैं। आ जाओ देख लें क्या है। तो क्या कहा गया है, एक आदमी शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, यदि नदी की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो कहा गया है उसे धारा के प्रतिकूल जाने में उतनी दूरी के लिए 6 घंटे अधिक समय लगते हैं जबकि वो अनुकूल जाने में। तो चलो भैया फिर से हम वही सवाल कर लेते हैं, यानी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया भैया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा वाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया प्रभु, डी किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है डी किलोमीटर। तो जब हम इधर से जाएंगे तो कौन सी स्ट्रीम से जाएंगे, अनुप्रभा चाल से यानी डाउन स्ट्रीम से। तो डाउन स्ट्रीम से जाएंगे तो हमारी चाल कितनी होगी, चाल चलन अच्छा रखो, ठीक है चाल 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 की बात हो रही यानी गति की, चाल चलन अच्छा रखो तो लोग आपकी मदद भी करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे भी। एग्जाम निकालना तो अच्छी बात है ही, साथ में अपने चाल चलन को भी अच्छा रखिए, मन लगा के ढंग से पढ़िए, ठीक। और यहाँ से अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से वो उत्प्रवाह दिशा में यानी अपस्ट्रीम में जाएगा, यानी कितने की स्पीड से 7 - 3 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब कहा गया है कि जब वो अपस्ट्रीम यानी उत्प्रवाह दिशा में जाता है 4 की स्पीड से और जब वो अनुप्रवाह दिशा में जाता है तो दोनों के बीच की जो समय का अंतर है, समय बड़ा बलवान है, हाँ कितना है 6 घंटे का अंतर है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ से 20, तो यहाँ हो गया 5d 2d यानी 3d इज इक्वल टू 6, तो 3d यानी तो d बराबर कितना 40 किलोमीटर मेरे भाई, यानी आंसर कितना होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे 40 किलोमीटर कहीं पर है, मारो ऑप्शन ढंग से, कितना हो गया आंसर 40। तो ये एक तरीका हो गया जहां पर हम सवाल को बेसिक ढंग से पढ़ते हैं और आप अब ये तो मान ही चुके हैं और समझ भी चुके हैं कि हाँ कि सर जो बार बार चीख चीख के नहीं आराम से कह रहे कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ो, यानी गति समय और चाल को ढंग से पढ़ो तो सारा काम हो जाएगा। उसका अच्छा उदाहरण यहां पर आपको देखने को मिला और इसके पिछले क्वेश्चन में भी देखने को मिला। अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से बना लेते हैं, मेथड 2 से। हमारे पास क्या है, डाउन स्ट्रीम है, हमारे पास अप स्ट्रीम है। चलो भैया अनुप्रभा उत्प्रभा चाल कितनी कितनी है, चाल स्पीड कितनी कितनी है, तो हम कहेंगे सर ये 10 होगा, हाँ और ये कितना होगा 4 होगा सर, यानी इनका अनुपात कितना होगा सर 5:2 होगा सर, बिल्कुल। तो समय कितना होगा सर, तो हम कहेंगे 2:5 होगा सर, क्या बात है सर, मजा आ रहा है, धजियां उड़ रही हैं।
तो अब इन दोनों के बीच अंतर कितने का? तीन। तीन की वैल्यू 6 घंटे, अगर तीन की वैल्यू 6 घंटे तो एक की वैल्यू 2 घंटे, तो भैया हमार 2 की वैल्यू मतलब 4 घंटे, यानी 4 घंटे हम अनुप्रभा दिशा में तैर रहे हैं और हवा का मजा ले रहे हैं। और कितने की चाल से? 10 की चाल से, तो 10 × 4 करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा? तो हम कहेंगे सर जी हमारा आंसर होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसी सवाल को थोड़ा सा और लजीज ढंग से, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस पर भी देख लें कि इस तरह के सवालों में भी क्या फॉर्मूला हम सूत्र यूज कर सकते हैं। तो तैयार हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हमने जो जो चीजों को पढ़ा है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आप पार्ट वाइज वीडियो इसलिए बना रहा हूं, घंटों आपके पास समय नहीं है कि आप बैठ के देखे कहे कि आप बोरिया जाते हैं, क्योंकि भैया इंटरटेनमेंट भी चाहिए आपको, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर सब चलाना है, इसलिए पार्ट वाइज वीडियो ला रहा हूं और एक से एक कलेक्शन ला रहा हूं क्वेश्चंस का, कि 1000 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 30-40 क्वेश्चन या 20-22 क्वेश्चंस भी अगर ढंग से बना लेते हैं अलग अलग वैरायटी का, तो आपका काम हो जाएगा। एग्जाम ही निकालना, एग्जाम निकालो दोस्तों और ढंग से पढ़ के निकालो, है ना। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका और अलग तरीका क्या हो सकता है। तो तैयार हैं आप सब? आर यू ऑल रेडी? बिल्कुल सर। आई तो हमारे पास क्या है, यह है हमारे पास दूरी, यह है एक्स और यह है वाई, ठीक है प्रभु। अब हमसे कह दिया गया है कि यहां हम डाउन स्ट्रीम से जाएंगे, तो डाउन स्ट्रीम से जाने का मतलब है बी प्लस आर, और यहां पे आते वक्त हम अप स्ट्रीम से आएंगे तो हमारा कहने का मतलब है बी माइनस आर, ठीक है। और दोनों के बीच की जो दूरी है वो डी किलोमीटर है, क्या बात है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो डी किलोमीटर है, ठीक है। और टी घंटे, टी घंटे का मतलब है समय का अंतर, यानी डिफरेंस ऑफ टाइम, समय के अंतर के बारे में कहा गया है। तो आइए प्रभु हम जानते हैं कि हमें समय कैसे ज्यादा लगेगा, किस दिशा में जाने में समय ज्यादा लगेगा। तो हम कहेंगे सर जी विपरीत दिशा में जाने में समय ज्यादा लगेगा, कहे कि जब हम धारा के दिशा में जाते हैं हम तो हवा खाते हुए जाते हैं सर, मनोरंजन मग्ध मुग्ध हो जाते हैं सर, ऐसा लगता है कि ये वक्त कभी गुजरे ही ना, बस इस पल में जी ले जरा, है ना। तो आइए अब देखते हैं, जी तो रहे हैं साथ में सवाल भी बना लेते हैं। तो यहां से देखने क्या मिलता है, तो हम कहेंगे डी बटा बी माइनस आर माइनस डी बटा बी प्लस आर, और दोनों के बीच का अंतर टी। चलो प्रभु डी ले लेते हैं कॉमन, और यहां से बी माइनस आर गुने बी प्लस आर, तो यहां से क्या मिलेगा बी प्लस आर माइनस बी प्लस आर इक्वल टू टी, क्या बात है। तो बी से बी कैंसिल, तो d इंटू टू आर इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इंटू टी, तो d इक्वल टू का मिलेगा, तो हम कहेंगे बी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर बाई टू आर इंटू टी। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा, अरे हमने दीपक सर को नहीं देखा मेरे भाई, हमको तो तुम देख ही रहे हो और जानते भी हो और पहचानते भी हो। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब अंतर होता है तो नीचे किसकी चाल आती है, धारा की चाल, और जब योगफल होता है तो किसकी चाल आती है, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। तो अब हमारे सवाल में क्या क्या दिया हुआ था, थोड़ा सा ले लेते हैं और बना लेते हैं। बी, बी की वैल्यू कितनी थी, 7 किलोमीटर प्रति घंटे थी, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटे थी, और टी का अंतर कितना था, 6 घंटा था, यही था ना मेरे भाई, देख लिया जाए, आ जाओ 7 × 3 = 6, ठीक है हो गया। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमसे क्या पूछा गया, कुल दूरी, तो डी बराबर बैठा लो, तो यहां से क्या मिलेगा 49 − 9 / 2 × 3 × 6, 6 × 6 उड़ गया, यानी आंसर कितना 40 किलोमीटर। गुरु जी ये तो और आसानी से हो गया, तो कब मैंने कहा आसानी से नहीं होगा, समझने का तरीका सीखो, ठीक है। जब तक समझने का तरीका नहीं सीखोगे तब तक काम नहीं बनेगा बाबूजी, समझ में आ रहा है, ठीक। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत आसानी से और बड़े प्रेम से क्लियर हो रही है,
ठीक है ना। प्रेम करना पाप नहीं है, राधे कृष्ण ने भी किया था, ठीक है, लेकिन आप अपने लक्ष्य को ना भूले। आप अच्छे से जानते हैं कि कृष्ण जी अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को साधने के लिए राधा जी को भी छोड़ के चले गए थे, तो उसी तरीके से आप भी प्रभु अभी किसी के प्रेम के चक्कर में ना पड़े, पहले सरकारी नौकरी ले ले जिस लक्ष्य के लिए आप अपने घर से पेटी बांध के निकले हैं और इतने कष्ट और इतने परिश्रम से क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कहीं चाय के नुक्कड़ पर बैठ के आंख मटक्का ना करो, मन लगा के पढ़ो और एग्जाम को क्रैक करो। क्या बात है सर, शायरी तो बड़ा मस्त मस्त बोल रहे हैं, धजिया उड़ा रहे हैं सर जी, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसी का एक बेहतरीन क्वेश्चन इसी के एप्लीकेशंस पे कैसे। क्या कहा गया है, दोनों जगह के बीच 24 किलोमीटर है, ठीक है भैया। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति गति है तो धारा के प्रतिकूल समान दूरी जाने में और वापस में 3 घंटे। तो चलो भैया हमारे पास तो सूत्र है, हाँ क्या लिख सकते हैं, लिख लेते हैं क्या 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 क्या, बी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इंटू 2R इंटू टी। तो चलिए बैठा देते हैं 24, बी का स्क्वायर हमको नहीं पता, आर का स्क्वायर हमको पता है कितना है, 4/2 × 2, और टी की मान कितनी है प्रभु, 3। चलो 3 से उड़ा दो, 3×8 = 32, बी का स्क्वायर माइनस 4, बी के स्क्वायर माइनस 4, 4 नदिया के इस पार आएगी तो बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 36। तो बी इक्वल टू √36, यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कितना होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मन लगा के पढ़ो नहीं तो मिलेगा बाबू घंटा, समझ में आ रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से सवाल को समझिए और पढ़िए। तो आप देख रहे हैं कितने लजीज ढंग से, कितने मनोहर ढंग से और कितने लाजवाब ढंग से हम सवालों की धज्जियां उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम सवालों के एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब क्या हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े, और अगला क्वेश्चन बड़ा मीठा क्वेश्चन है कि जिसे देखकर आपको मिठास याद आ जाएगी, और ये क्वेश्चन ज्यादातर CGL के मेंस में देखने को मिलता है, अच्छे लेवल के एग्जामों में देखने को मिलता है, SI में देखने को मिलता है, बैंक एग्जामों में देखने को मिलता है, यानी कहा जाए तो हर अच्छे लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस मिलता है। तो क्या आप तैयार हैं, हाँ हाँ तैयार हो, तो आओ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए पढ़ लेते हैं। क्या कहा गया है, कहा गया है कि राहुल जो है क्या करता है, राहुल पानी चला जाएगा, बचपन में कैड आता था, चलो ठीक है देखा जाएगा राहुल, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई राहुल नहीं है ना, कोई कोई राहुल नहीं बैठा हुआ है ना, भैया नहाने के पहले देख लेना कि टंकी में पानी है या नहीं, नहीं तो वही बचपन वाला ऐड याद आएगा, शायद आप लोगों ने देखा है कि नहीं, नहाने के लिए राहुल गया और राहुल पानी चला गया। तो राहुल जी आप पानी को जरूर देख लीजिएगा कि टंकी में है या नहीं, और अगर आपको पता है कि टंकी भरने में कितना समय लगता है या नहीं लगता है, तो जरूर पाइप और टंकी जो मैंने पढ़ाया है उसे देखकर सीख लीजिए कि टंकी कितने देर में भरती है। तो क्या कहा गया, पढ़ दिया जाए, कहा इस तरीके से किया कि राहुल 12 किलोमीटर, क्या कहा गया है, 12 माइल यात्रा के दौरान 6 घंटे कम समय लेता है जब वो अनुप्रवाह दिशा में जाता है, कंपेयर टू किसके, उत्प्रवाह दिशा यानी प्रतिकूल दिशा में 6 घंटे कम समय। तो अभी तो पढ़ते हुए आ रहे हैं मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं, सूत्र क्या था, क्या लिख सकते हैं, डी बराबर, क्या लिख सकते हैं सूत्र, डी बराबर, चलो भैया यहां से लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा लाइट झकझकास जगजगा रहेगा तो मजा आएगा पढ़ाने में ना, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, D बराबर यानी 12 किलोमीटर बराबर क्या था सूत्र, B का स्क्वायर ठीक है माइनस R का स्क्वायर ठीक है बटा 2R ठीक है। तो दोनों के बीच का अंतर 6 घंटे का, आ जाइए प्रभु सॉल्व कर ले। सर जी कितना पेन चेंज करते हैं, मजा आता है यार चेंज करने का मतलब, और पढ़ाने में भी मजा आता है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, बी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू 4R, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या कहा गया है, पढ़ लेते हैं, अब कहा गया है कि यदि वो अपनी नाव की चाल को दुगुनी कर दे, चलो भैया तो नाव की चाल को दुगुनी कर दे, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 12, नाव की चाल को दुगुनी करने का मतलब है कि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी थी नाव की चाल अब डबल हो जाएगी, डबल होने का मतलब यह क्या होगा, 4B² होगा,
माइनस आर का स्क्वायर होगा बटे 2r होगा, ठीक है, जो कि कितने के बराबर है, तो कहा गया दोनों के बीच का अंतर एक घंटे का है। क्या बात है, तो आइए लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिला, 4b स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू 24r, ये ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हमसे क्या मांगा गया है, धारा की गति, तो हमें r की वैल्यू चाहिए, तो हमें b को यहाँ से हटाना होगा, और b को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में कितने से गुना करते हैं, इक्वेशन 2 में 1 से गुना कर देते हैं और इक्वेशन 1 में 4 से। ये झूठ का लिख दिया, अगर नहीं भी लिखता तो कोई क्या जाता, तो हम यहां से अगर लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देख लिया जाए, इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, 4b स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू 24r, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 4b स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर इक्वल टू 16r। तो चलो भैया सॉल्व कर लिया जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हैं। यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पे होगा प्लस और यहाँ पे होगा माइनस, है ये कट गया, यहाँ से क्या मिला, 3r का स्क्वायर इक्वल टू 8r। क्या बात है गुरुजी, यानी 3r का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 8r। तो r से प्रभु एक r कट गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3, और 8/3 का मतलब 2 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे, यही धारा की चाल होगी। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे सूत्रों का पूरा खेल है। तो आप खेल खेल में सवालों को भी सीख गए कि किस तरह के इस हाई लेवल के क्वेश्चंस को आप एग्जामों में बनाएंगे और कैसे आप क्या कर सकते हैं, धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चीजें क्लियर हैं। तो बस मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मन लगा के पढ़ो, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कि ऐसा पढ़ो कि बवंडर मत जाओ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, पढ़ोगे नहीं तो एग्जाम निकालोगे कैसे। तो बस आज के लिए इतना ही, अलविदा कहता हूं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, चलते चलते, थैंक यू।